दोस्तों लेक्चर सीरीज का ये नेक्स्ट चैप्टर है। पिछला हमने जो पढ़ाया था वो था थ्योरी ऑफ डिमांड, इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको डिमांड एंड सप्लाई। आज का जो चैप्टर है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है वो था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि देयर इज अ डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस। प्राइस एंड डिमांड में डायरेक्शनल रिलेशनशिप आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जब हम किसी कंपनी के मैनेजर के रूप में काम कर रहे होते हैं या हमें कहीं एज ए डिसीजन मेकर काम करना होता है, कहीं हम डिसीजन लेने बैठे होते हैं, तो हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है कि अगर हम प्राइस को कम करते हैं तो डिमांड कितना घटेगा या बढ़ेगा। अभी तक हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि प्राइस को घटाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस को कितना घटाएं तो डिमांड पर कितना असर पड़ेगा, यानी जो हम कहने जा रहे हैं हाउ मच का रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं किसमें, इलास्टिसिटी या डिमांड। आप लोगों ने, बहुत सारे लोग आप लोगों में से साइंस बैकग्राउंड के होंगे और साइंस बैकग्राउंड में ये पढ़ा होगा कि इलास्टिसिटी क्या है। तो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं तो उस समय आप ये पढ़ते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं या उसकी पोजीशन से हम उसको डिसबैलेंस करते हैं, उसकी पोजीशन से हटाते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तनाव देते हैं और उसको अगर छोड़ दें तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम तनाव दें या प्रेस करें या खींचें तो उसकी स्थिति बदल जाएगी। ये स्थिति का बदलना ही क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी या लोच। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, ये हमारे पास एक डस्टर है, हमको इसमें पता करना है कि इसमें लोच है या नहीं है। हम सबसे पहले ये साइंटिफिक रीजन से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोच है या नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डस्टर को हम प्रेस कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम प्रेस कर रहे हैं, यानी इसको अपनी पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये अपनी पोजीशन से नहीं हटता, दबाने के बाद हमने ये देखा कि ये अपनी पोजीशन से जरा सा भी इधर से उधर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें लोच नहीं है। अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर देता तो हम कहते कि इसमें लोच है। जैसे जरा हमें अपन दीजिएगा ये वाला, मान लीजिए हम एक ये पेन लेते हैं और इस पेन की इस रिफिल को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इसमें लोच है या नहीं है। हम क्या करेंगे, इस पर एक प्रेशर डालेंगे, हम प्रेशर डाल रहे हैं तो इसकी स्थिति बदल रही है, और इसको छोड़ दे रहे हैं तो ये अपनी पूर्व पोजीशन में वापस आ जा रही है। इसका मतलब है कि इसमें लोच है, लेकिन इसमें कितना लोच है, इसकी स्थिति में कितना परिवर्तन होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, इस पर डाले गए दबाव पर, उस रेशियो पर डिपेंड कर रहा है कि जितना हम प्रेशर इस पर डाल रहे हैं। अगर हमने प्रेशर डाला और इसकी स्थिति पूरी तरह से बदल गई, अगर इसमें हमने प्रेशर डाला और इसकी स्थिति पूरी तरह बदल गई तो हम क्या कहेंगे, इसमें लोच है। और अगर स्थिति नहीं बदली तो हम कह रहे हैं लोच नहीं है। जैसे इसमें कह रहे हैं लोच नहीं है, कैसे जाना, जब हमने इस पर प्रेशर डाला।
उसी तरीके से हम यहां बात करें, हम कह रहे हैं कि प्राइस को देखिए एज ए प्रेशर और डिमांड को आप लीजिए एज एन ऑब्जेक्ट। प्राइस क्या है? प्रेशर है। डिमांड क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब प्राइस से अगर इस डिमांड पर हम प्रेशर डाल रहे हैं, प्राइस का प्रेशर हम इस डिमांड पर डाल रहे हैं, प्राइस चेंज होने पर अगर डिमांड बदल गई तो इलास्टिसिटी है, अगर प्राइस का डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो इलास्टिसिटी नहीं है, इसका मतलब तब इलास्टिसिटी जीरो है। अब ये सब डिपेंड करेगा कि जितना जिस रेशियो में हम प्राइस पर का प्रेशर डाल रहे हैं, जिस रेशियो में अगर प्राइस 10% चेंज हो रही है, डिमांड भी 10% चेंज हो जाए तो रेशियो सेम हुआ, तो इलास्टिसिटी एक। इलास्टिसिटी यूनिलेटरल कहते हैं इसको, यूनिलेटरल होता है, इकाई के बराबर होता है। प्राइस को अगर हम चेंज करें 10%, डिमांड में चेंज आए 5%, तो इसका मतलब है कि यूनिलेटरल से कम है, इकाई से कम है, यानी लोच कम है, उसमें लोचशीलता कम है, क्योंकि प्राइस प्रेशर ज्यादा डालता है और ऑब्जेक्ट में चेंज कम आ रहा है। प्राइस को अगर हम 10% बढ़ाएं या घटाएं, डिमांड में चेंज कितना हो जाए 20%, तो इकाई से ज्यादा है। और कई बार ऐसा भी पढ़ते हैं कि प्राइस को थोड़ा सा इधर से उधर किया और डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गया या घट गया, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट। तो हमने पांच तरीके की चीजें बताई आपको, एक तो जीरो, दूसरा इकाई के बराबर, इकाई से कम, इकाई से ज्यादा और इनफाइनाइट। ठीक, पांच तरीके की लोच हो सकती है। तो ध्यान रखिए, अभी सिर्फ जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो इतना ही समझिए आप कि इलास्टिसिटी यानी लोचशीलता प्राइस और डिमांड के बीच में सिर्फ कौन सा रिलेशनशिप बता रहा है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम पहले लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए, ईडी इलास्टिसिटी या डिमांड, फिर यहां पर एक माइनस का साइन बनाते हैं। माइनस का साइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने डिमांड और प्राइस में पढ़ा था क्या, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप को ये शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो इसको हम लिखते हैं प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इन टू पी अपॉन क्यू। ये फार्मूले को सिर्फ रखने का तरीका है, अभी इस फार्मूले का पूरा एब्रिविएशन हमने नहीं बताया, अभी हमने सिर्फ आपको बताया कि ये फार्मूला है।